हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ कवर कर रहे हैं ओ लेवल एग्ज़ाम में सेकंड पेपर जो होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं। इनमें मैं बताने वाला हूँ कि नोट्स क्या होता है, हॉस्ट क्या होता है, वर्क स्टेशन चैनल क्या होता है, इनके बारे में कवर करने वाला हूँ। नोट क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, जैसे लैन है, ये मान लो लैन केबल है, और यहाँ पे जो सिस्टम कनेक्ट होते हैं ये वाले, इनको बोलते हैं नोड। ठीक है, इनको क्लाइंट भी बोलते हैं, नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, ठीक है, इनको बोलते हैं नोड। समझ में आया? हॉस्ट क्या होता है, एक ये हॉस्ट जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर कम माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और नेटवर्क डिवाइस से जुड़े होते हैं, ठीक है, इनको हॉस्ट बोलते हैं हम लोग। इसके साथ ही वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन समझ लो एक ऐसा बेस जो पूरे पूरे सिस्टम को कवर करके रखे, मैनेज करके रखे, कंट्रोल करके रखे, या स्टोर रूम हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्क स्टेशन इज़ अ पावरफुल पीसी, एक पावरफुल पीसी होता है एज अ नोड ऑन अ नेटवर्क प्राइमरीली यूज टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो पूरे प्रोग्राम को रन करता है। इन द IBM टोकन रिंग नेटवर्क एनी IBM PC, यानी IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर कंपेटिबल कंप्यूटर कैन बी यूज़ एज अ वर्क स्टेशन, मतलब कुछ ऐसा कंप्यूटर हो जो हर पूरे कैपेसिटी को कवर कर पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ मतलब होता है क्षमता, यानी अगर काम कर रहे हो तो उसकी शक्ति भी तो होनी चाहिए काम करने की। तो बैंडविड्थ रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, हम हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। अब ट्रांसमिशन चैनल, दिस टर्म इज समटाइम आल्सो यूज टू रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रेवलिंग थ्रू अ सिंगल चैनल एट एनी पॉइंट एनी 1.2 टाइम, मतलब बैंडविड्थ आपने सुना ही होगा, रेडियो वगैरह आपने सुनते ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाइएस्ट और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी को कवर करना, ठीक है। चैनल क्या होता है, एक चैनल होता है कि चैनल क्या करता है, चैनल एक मीडियम होता है, माध्यम होता है जो हमारे इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी हमारे डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैरी करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।